हम पहली लोकेशन थी हमारी शंकराचार्य जी टेम्पल, और अभी सेकंड लोकेशन है हमारी यहाँ का डल लेक, जो कि इतना फेमस है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है डल लेक। यहाँ की शिकारा बोट्स, यहाँ की हाउस बोट्स इतनी फेमस मानी जाती है ना कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं इस बोट्स का मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो अभी अपन डल लेक के बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है बिल्कुल। ये इस तरीके की कुछ बोट्स मिलती हैं आपको, शिकारा बोट्स जो हैं देखो, और इनका अलग अलग प्राइस रहता है फैमिलीज के हिसाब से या फिर घंटे के हिसाब से जो बोल सकते हैं, या पर्सन के हिसाब से अलग अलग प्राइस रहता है। काफ़ी दूरी में बनी हुई है गाइस, ये देखो बहुत दूरी में बनी हुई है जो बोट्स हैं, मतलब ये लेक जो है डल लेक जो है। तो अभी अपन कुछ हायर करते हैं इन शिकारा बोट्स को, बाकी आगे का एक्सपीरियंस इस वीडियो में बने रहिए। कुछ बार्गेनिंग करने पे 4,000 रुपये से 2,000 रुपये में हमारा जो बोट है वो हायर हुआ है 4 लोगों के लिए। ये दो ये हैं, एक मैं हूँ, एक वो भाई हैं। तो ये वाली हमारी बोट है जो कि 2 से 2.5 घंटे हमें इसमें राइड करवाएगी इस डल लेक के अंदर। तो चलो भाई आप भी चलो, लास्ट में आ रहा हूँ मैं भी जा रहा हूँ। रुको, डल लेक की राइड हो गई है स्टार्ट। और ये हमारे चलाने वाले भैया ये रहे, और ये रहे हमारे उड़ीसा वाले कपल जो कि बहुत एक्साइटेड है इसको लेके हमारे तरह ही। और ये कुछ इस तरीके का व्यू है डल लेक का, काफी बोट्स हैं यहाँ पे। तो बोट जा रही है हमारी, कोई मीना बाजार है यहाँ पे नेहरू पार्क का उधर वाली साइड, तो देख सकते हो आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है क्योंकि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा लो है, ठंडी हवा वाइब अच्छी आ रही है, थोड़ी हल्की ठंड भी लग रही है, बाकी व्यू बहुत शानदार दिख रहा है। लेक का व्यू और उसके आगे पहाड़ों का व्यू आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, बहुत ही शानदार लग रहा है यहाँ का व्यू जो है। और मतलब पीछे की ओर भी आप देखोगे तो आपको खाली वादियाँ और पहाड़ बादल बस यही दिखाई देगा, और बहुत शानदार लग रहा है यहाँ का जो व्यू है, बहुत ही शानदार। ये देखो हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, आप देख सकते हो हमारी बोट के जो पर्दे हैं वो हवा की वजह से पूरे फ्लो के अंदर है, और इस साइड भी आपको कुछ इस तरीके का ही देखने को मिलेगा। ऐसी बोट्स आपको रास्ते में मिलती रहेंगी जो कि आपको सामान प्रोवाइड करवाती हैं, ये देखो इस तरीके से। और ये बोट ये भैया लेके आए हैं जो इन सब सामान का प्राइस भी बता रहे हैं साथ में, और ये हमारे उड़ीसा वाले फ्रेंड जो है ये कुछ लेने के लिए सोच रहे हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट से लकड़ी से बने हुए ये तत्व बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे वेलकम कश्मीर नाम से भी एक चीज़ बनाई गई है, एक वर्ग आकार। हल्की हल्की ठंड महसूस होने लग गई है क्योंकि यहाँ पे मतलब हवा तेज चल रही है, थोड़ी ठंड इस वजह से लग रही है, बाकी बहुत आनंद आ रहा है इस मतलब डल लेक के अंदर शिकारा बोट पे, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना वो शानदार है, बाकी हवा अच्छी चल रही है, और यहाँ की जो मतलब मौसम जो बना हुआ है ना वो एकदम पूरा क्लाउडी मौसम बना हुआ है, इसलिए बैठने के बाद में सोचा कुछ सो लेते हैं थोड़ी देर, ऐसे लेट जाते हैं। तो ऐसी सुविधा भी आपको शिकारा बोट के अंदर मिल जाएगी। और ये रहे हमारे बोट चलाने वाले भैया जो कि हमें खुले आनंद में ही बोट का नज़ारा दे रहे हैं फनी टाइप से, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता भी रहे हैं, जैसे यहाँ के बाज़ार के बारे में बता रहे हैं, और भी कुछ देखने लायक है इधर जो कि हमें लेके जाएंगे तो उधर आपको भी हम लेके जाएंगे। बाकी बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे श्रीनगर में, सबसे फेमस यह है शायद इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे शिकारा बोट्स है ना वो उसकी जो राइड रहती है वो मतलब एक्सपेंसिव रहती है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रहती है। ऐसे तो मैंने बनारस में बोट राइड ली थी तो, और जबलपुर में भी मैंने बोट राइड ली थी, तो ऐसा एक्सपीरियंस सच्ची में नहीं आया वहाँ पे जैसा अभी आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम सुहावना है, मज़ा आ रहा है, ठंड लग रही है वो बात अलग है, बाकी मज़ा आ रहा है सीरियसली के अंदर। बाकी आप यहाँ का जो वेदर है वो भी देख सकते हो, और यहाँ का पानी वो भी देख सकते हो। डल लेक का जो गहराई है वो 25 फीट है ओनली, बाकी उधर वाली साइड आपको पहाड़ भी दिख जाएंगे। क्लाउडी क्लाउडी मौसम पूरा एकदम पूरा मतलब बहुत ही शानदार लग रहा है जो भी है। करते हैं, सर्फ राइडिंग करते हैं यहाँ पर, बनाना राइड करते हैं, सोफा राइड करते हैं। अच्छा, कौन सी वाली है? चलाना ये वाली बोट पे। तो गाइज आपने जैसे कि सुना आपने, ये वाली बोट है। अराउंड 15 मिनट हम यहाँ से चले थे और इतना दूर आ गए, आप देखो इतना दूर, कम से कम 1 किलोमीटर दूर आ गए हैं 15 मिनट में खाली। और इस तरीके का कुछ व्यू है यहाँ का, और अभी अपन चल रहे हैं बाथिंग बोट की तरफ जो कि ये है, जहाँ पे अपन जाके कुछ पूछने वाले हैं यहाँ पे, कुछ एक्सपीरियंस चीज़ें जो है जो बताई जाती है इसकी वो देखेंगे। जैसे कि ये देखो ये वाली जो राइड है, ये वाली राइड का भी पूछने वाले हैं कैसा होता है, क्या सीन है। अभी अपन
अपन आए हैं बाथिंग बोर्ड के ऊपर, जो कि ये है और इसका ऊपर नाम भी आप देख सकते हैं। यह कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे आप ऑर्डर भी दे सकते हो, मीनू भी है इनका, कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर दे सकते हो, ये देखो। और इसके बाद में आप इसकी राइड भी ले सकते हो, ये जो जेट्स के है, जो इसके 1000 रुपीज़ राइड है, ये देखो, क्योंकि शायद करीबन 5 से 6 मिनट की राइड रहने वाली अलग राइड पे। अभी अपन जाने वाले हैं कोई बाजार है उधर, उस पर यह है टोटल हाउस बोट। यहाँ पे एक नाइट के स्टे के लिए आपको 2 से 3, 4, 5 जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप इस हाउस बोट को हायर कर सकते हैं, जिसमें फूड का चार्ज अलग रहता है। बाकी काफ़ी डिलीशियस बनी हुई है ये हाउस बोट, बहुत शानदार बनाया गया है इनको। अलग कश्मीरी लड़कियाँ जो बोट्स चलाती हैं, जो कि यहाँ के लोगों को इन्जॉय करवाती हैं बोट्स का, जो भी डिसीजन। और ऐसे हाउस बोट्स आपको बहुत काफ़ी देखने को मिलेंगे। और एक ये एक और फैमिली यहाँ पे आई हुई है, और यहाँ पे आपको ये फ्रूट चाट वाले और भी बहुत सारे खाने पीने वाले लोग आपको मिलते रहेंगे। पर बाज़ार बना हुआ है टोटली, पूरा का पूरा बाज़ार बना हुआ है इधर। यहाँ पे आपको हर तरीके का सामान मिल जाएगा टोटल। इस साइड में भी आपको देखो टोटली बाज़ार बना हुआ है। और इधर फ्रूट चाट वाले भैया से दो ये एक प्लेट हायर किए इन भैया ने, जो कि 100 रुपये पर प्लेट के हिसाब से है। हाँ गाइज, ये देखो इधर इतनी सारी बोट्स आई हुई हैं, इतनी सारी बोट्स हैं क्योंकि यहाँ पे बाजार बना हुआ है। ये काफी बड़े भैया क्या बोट फास्ट भगा के लेके आए हमारे पास। कितने रुपए का भैया? चाय चाय नहीं है। फाइनली शिकारा बोट की राइड पे अपन पहुंच चुके हैं यहाँ के बाजार में, जो जिसे मीना बाजार भी बोला जाता है। सो यह है यहाँ का बाज़ार। यहाँ पे आपको बहुत सारी बोट्स देखने को मिल जाएगी, और ये इनकी पर्सनल बोट है, क्योंकि यह गांव में रहते हैं ये जो बच्चे लोग जा रहे हैं। इधर एक गांव बना हुआ है, तो यह इनकी पर्सनल बोट्स हैं। बाकी यहाँ की जो स्थिति है वो आप देख सकते हो, टोटल पानी में बसा हुआ है यह गाँव। मार्केट स्टार्ट हो गया यहाँ से, कपड़े का मार्केट स्टार्ट हो गया, आर्ट्स एम्पोरियम। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो किस तरीके के कपड़े या फिर जो भी है। आगे भी आपको बहुत सारी मार्केट्स दुकानें जो है वो मिल जाएंगी। शिकारा बोट्स इकट्ठी हो गई हैं, देखो एक दूसरे से टकरा रही हैं सारी बोट्स। जैसे ये बोट्स भी हमसे टकरा के गई, उधर वो देखो वो पर्सनली बोट्स हैं, इधर भी बोट्स ही बोट्स इकट्ठी हो चुकी हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं। बहुत ही एक्चुअली बहुत बढ़िया लग रहा है। और इधर से मार्केट स्टार्ट हो जाती है, ये देखो। और ये पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है इधर, यार क्या ही मज़ा होना। मतलब सुबह उठो तो पानी, शाम को सो तो पानी, बीच पानी के अंदर सो जाओ, बीच पानी के अंदर ही सब कुछ, मतलब खाना पीना, रहना सहना, कपड़े, सब कुछ यार। हर चीज़ की दुकान है यहाँ पे, हर चीज़ की। तो गाइस, यहाँ की जो मार्केट थी वहाँ पे बेसिकली सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, मतलब हायर करना भी मुश्किल है, इतना ज़्यादा महंगा। हर चीज़ 1000 से नीचे तो कुछ है भी नहीं है। यहाँ का जो ये गांव है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अभी आ रही है 3 बोट सामने से, देखो निकल पाती है हमारे वाली साथ में से या नहीं। वो वाले भैया ने रोक ली बोट, नहीं तो निकलती भी नहीं एक साथ में। सो निकल गई है ये बोट। ठंड का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है, शाम के बज चुके हैं 4, और शिकारा बोट्स अभी हमारी जो राइड है वो चल रही है। यह यहाँ की मार्केट का जो बीच वाला चौक बोलते हैं, वो वाला चौक है, देखो यह यहाँ का चौक है यहाँ की मार्केट का। यहाँ से ही आप इधर उधर मतलब 4 रास्ते जाते हैं, जो वो बोलते हैं ना चौराहा, वो वाला चौराहा है यहाँ का, बहुत ही शानदार चौराहा है यहाँ का। बाकी अभी अपन जाने वाले हैं इस साइड में, कुछ चाय वाय पियेंगे शायद, फास्ट फूड शॉप है ये। अभी अपन ने यहाँ से कावा मिल्क टी जो है वो ऑर्डर की है, 60 रुपीज़ की है, और एक विदाउट मिल्क है, एक विद मिल्क है। काफ़ी मतलब मैंने जैसे बताया कि यहाँ का जो प्राइस है वो काफ़ी हैवी रहता है। बाकी अपन यहाँ के जो स्टैंड है बीच का, वहाँ पे है चौराहे पे, यह इनका मेन स्टैंड बोला जाता है। मतलब यहाँ से ही बोट्स जो है वो इधर उधर होती हैं, ये देखो बीच का स्टैंड है, ये काफ़ी बोट्स आई हुई हैं यहाँ पे। ये है कावा विद मिल्क एंड विदाउट मिल्क, आप चेक करो और आप बताओ टेस्ट करके कैसा है।
विद मिल्क अच्छा था, ये तो ऐसे मतलब पानी जैसा टेस्ट आ रहा है, जैसे गर्म पानी में शक्कर डाल के ड्राई फ्रूट डाल के दिया हो, बाकी मिल्क बड़ा अच्छा था। वो पी के क्या बोलते हैं उसका नाम भूल गया मैं क्या नाम था भैया, कौवा नहीं था, कोफ्ता, क्या नाम था भैया। यहाँ का जो व्यू है ना वो देखो किस तरीके का व्यू, इतनी सारी बोट्स मैंने लेक के अंदर पहली बार देखी है, देखो एक साथ में कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, शानदार व्यू आ रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। देखो अभी अपन चल रहे हैं नेशनल हाईवे की तरफ जो कि राइट साइड में था जहाँ से अपन ने खाना खाया था, और उसके बाद में चलेंगे अपने एग्जिट पॉइंट पे जहाँ से अपन चले थे। ही शानदार व्यू आ रहा है दोस्तों, इतना शानदार व्यू आ रहा है कि कश्मीर को छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। इतना अच्छा मोमेंट मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है विदाउट बोट के भी, ये तो फिर भी बोट का एक्सपीरियंस है, बाकी बहुत शानदार व्यू आ रहा है, गजब व्यू आ रहा है सीरियसली के अंदर, मज़ा आ गया सच में। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं अश्विनी जो कि मेरे गांव से मेरे क्लासमेट मेरे दोस्त। अश्विनी शिकारा बोट में आपको कैसा आनंद आ रहा है, सच्ची बताना, मजाक मत करना। वर्थ इट एकदम, कश्मीर आके और यहाँ श्रीनगर आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठंड भी लग रही है बहुत। हाँ, थोड़ा क्लाउडी मौसम होने के कारण ठंडी हवा चल रही है, उस वजह से ठंड लग रही है बस, जिसमें से एक 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 मतलब अच्छा मोमेंट, एक फनी मोमेंट बताता हूँ आपको। मेरे पास जैकेट नहीं है, इसके पास शूज नहीं है, ये चप्पल पहन के घूम रहा है और मैं विदाउट जैकेट घूम रहा हूँ श्रीनगर में मतलब ये घर से शूज नहीं लेके आया, मैं घर से जैकेट नहीं लेके आया, मामला ये था कि ये शूज लेने वाला था, बाकी कहीं पर ऐसे यहाँ पे पसंद ही नहीं आए, तो इस वजह से शूज कहीं से लिए नहीं, तो सोचा कि चप्पल में ही पूरा एक महीना ट्रैवल करेंगे, तो बहुत मजा आ रहा है सच्ची में, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और एक ग्रुप बना के आओ यहाँ पे कश्मीर में, यार मजा आता है सीरियसली के अंदर, बहुत मजा आता है। देखो रे दुनिया ए, देखो रे कैसे लगी आपको शिकारा बोट की राइड, मेरे को तो सच्ची में बहुत अच्छी लगी। जब भी आप श्रीनगर कश्मीर के अंदर आओ तो यह जरूर ज्वाइन करो, कसम से मज़ा आता है। यहाँ के जो हाउस बोट्स है, यहाँ की जो मीना बाजार है, ड्राई फ्रूट शॉप्स है, देखने लायक है, और यहाँ का एक चौक जो कि बीचों बीच बना हुआ है जहाँ पे हमने वो टी पी थी एक, जिसका नाम मेरे को अभी भी याद नहीं है यार, वो कुछ अजीब ही था, डिफरेंट तरीके का नाम था, बाकी मेरे को सच्ची में बहुत मजा आया। श्रीनगर की यह थी सेकेंड वीडियो, आगे देखते हैं कौन सी लोकेशन पे पहुंचते हैं अपन, तो बने रहिएगा मेरे साथ में।